सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहले एक नज़र मार लें सुर्खियों के वल। अज मोगा च होगा श्रोमणी अकाली दल का जोरदार शक्ति प्रदर्शन। पार्टी के 100 साल स्थापना दिवस मौके मोगा के पिंड किली चाला च होगी विशाल रैली। पंजाब सरकार कोरोना महामारी की तीजी लहर न लड़न लई पूरी तरह तैयार, कहा ओपी सोनी ने। राहुल गांधी के बयान से भड़के हिंदू संगठन सनातन महासभा के बीजेपी नेतावान ने राहुल गांधी के फूके पुतले। हुण खबरां विस्थार दे नाल। श्रोमणी अकाली दल वालों 14 दिसंबर नूं कीती जा रही विशाल रैली अकाली बसपा गठजोड़ की सरकार बनाउण दा राह पदरा करेगी। यह गल श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने कही है। रैली दी तैयारियां मुकम्मल हो चुकियां ने, दूर दुराडे तो अकाली दल के वर्कर इत्थे पुज गए ने। सुखबीर बादल ने कहा कि इस रैली लई 40 एकड़ च पंडाल लगाया गया है, 50 एकड़ जमीन च वहीकलों के खड़न लई पार्किंग बनाई गई है। सुखबीर बादल ने दसिया कि जिस तरह हलका वाइज कीतियां गईयां रैलियां च लोगों के मिले भरवें हुंगारे तो स्पष्ट हो गया कि रैली च 2 लाख तो वधेरे पार्टी वर्कर पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूबे च सत्ता की तब्दीली लई हवा चल रही है जो रैली मगरों हनेरी का रुख धारण कर लेगी, जिस अगे ना तो कांग्रेस पार्टी, ना केजरीवाल की पार्टी, ना ही भाजपा, ना ही कैप्टन गठजोड़ टिकेगा। पंजाब के उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी ने कहा कि पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी के नवे रूप नाल लड़न लई पूरी तैयारी कर ली है, जिसलिए वैक्सीन ते होर लोड़ींदियां सहूलतां दा प्रबंध किया गया है। आम आदमी पार्टी बारे पूछे सवाल ते उन्होंने कहा कि उन्होंने कई विधायक कांग्रेस पार्टी विच शामिल हो चुके ने। उन्होंने हरनाल संधु नूं मिस यूनीवर्स का खिताब मिलन ते खुशी का प्रगटावा किया, इस नूं महिला सशक्तिकरण का प्रतीक दस्सिया। सोनी लुधियाणा के CMC हस्पताल विखे आयोजित एक प्रोग्राम विच पहुंचे हुए सन। कि तीजी वेव लई सानू हर तरह के इंतजाम करने पै रहे ने, सरकार वालों पूरी तैयारी है। सो पहलों जरा सैकंड वेव सी सानू बड़ी शॉर्टेज उस आई सी ऑक्सीजन की, उन्हों मद्देनज़र रखदा अज असी अपने हॉस्पिटलों से साढ़े 3 मैडिकल कॉलेज पंजाब के जिन्हों के आर आई जोड़े आ ये ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। वो जोड़े साढ़े सिविल हॉस्पिटल ने पंजाब दे उन्हां च भी काफ़ी जड़े ने ऑक्सीजन प्लांट लग चुके ने। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहबजादे बाबा फतेह सिंह जी का शहीदों के पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब विखे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों प्रकाश दिहाड़ा मनाया गया। इस मौके पर श्री अखंड पाठ साहब जी के भोग पाए गए, जिस दौरान गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब के हैड ग्रंथी भाई हरपाल सिंह वालों अरदास की गई। समुची संगत वालों इस प्रकाश दिहाड़े मौके गुरुद्वारा साहब विच हाजिरी भरी गई। अज धन गुरु गोबिंद सिंह जी दे लाल माता जीत जी दे फरजंद बाबा फतेह सिंह जी का जन्म दिहाड़ा है। बड़ी श्रद्धा कीदत दे नाल साहिबजादियां दी करम भूमि शहीदी स्थान श्री फतेहगढ़ साहब विखे बेअंत संगतां श्रद्धा नाल अमृत वेले तो यह दिहाड़ा मना रही ने। विशेष तौर पर गुरद्वारा प्रबंध वालों दीवान सजाए गए ने, उचेचे सुंदर प्रबंध किए गए ने। ये दिहाड़े साडे अंदर एक जज्बा पैदा करते, जोश पैदा करते ने कि कोई मनुख सिर्फ जन्म करके महान नहीं हुंदा, उन्हां दी करनी उन्हां दी महानता की बहुत वड्डी लासानी लामिसाली है। सो असी उन्हां दी करनी नूं नमस्कार करते अज बेअंत संगतां बाबा जी के जन्म दिहाड़े दीआं खुशियां सांझियां कर रही। गुरद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब जी के प्रबंध वल्लों समूह संगतां दे सहयोग नाल श्री अखंड पाठ साहब जी के भोग पए ने, ते रात दे सुंदर दीवान जड़े आ उहदे च बेशुमार संगत हाजरी भरेगी।
लुधियाना एसटीएफ पुलिस वालों नशा तस्करों विरुद्ध चलाई मुहिम के तहत दो वख-वख मामलों में दो दोषियों को काबू करके उन्हां पासों 800 ग्राम हैरोइन बरामद की गई है। इस संबंधी जानकारी देंदे एसआई रामपाल ने दस्सिया कि गुप्त सूचना के आधार पर लुधियाना के सलेम टाबरी के इलाका पीरू बंदा सिंह एक एक्टिवा सवार व्यक्ति को 590 ग्राम हैरोइन से 23,000 रुपए की ड्रग मनी समेत काबू किया गया। रामपाल ने दस्सिया कि आरोपी अशोक कुमार कुछ समय पहले ही नशा तस्करी के मामले में जमानत से जेल तो रिहा होकर आंदा है। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਿਤੀ 11/12/21 ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਸਲੇਮ ਟਾਵਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਏਐਸਏ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਸ਼ੋਕਾ ਪੁੱਤਰ ਚਿਰਾਗ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪੀਰੂ ਬੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਲੇਮ ਟਾਵਰੀ ਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੈਰਨ ਵੇਚਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਟਰੀ 'ਤੇ ਹੈਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਰੁੱਕਾ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ 219 ਨੰਬਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ, ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਹੁਲੀਏ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਕੂਟਰੀ ਨੰਬਰ ਜੋ ਦੱਸੀ ਸੀ ਮੁਖਬਰ ਨੇ ਉਹ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ 590 ਗ੍ਰਾਮ ਉੱਤੋਂ ਹੈਰਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੂੰ-ਤੂੰ ਮੈਂ-ਮੈਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕਰਨ ਗਿੱਲ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਰਡ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਬੰਦੂਕ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਛਰੇਟਾ ਦੇ ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਵਿਪਨ ਨਈਅਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਪਨ ਨਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।